नमस्कार किसान साथियों, आप सबका हार्दिक स्वागत है अमेजिंग किसान के यूट्यूब चैनल में। किसान साथियों, बाग प्रबंधन पर मैं समय समय पर आपको कुछ वीडियो दिखाता हूं और आज मैं दिखा रहा हूं कि ये मेरे जो पौधे हैं जो नींबू के मैंने लगाए थे, ये मेरी बाड़ है। आप देखिए इसे ध्यान से, इसमें 5 तार हैं और 2 क्रॉस हैं, 5 पैरेलल हैं और ये पिलर हैं इस तरह से। देखिए ये पिलर हैं इस तरह से, और इन पर मैंने जून 2018 को बहुत छोटे छोटे पौधे लगाए थे, 2 फीट पर, प्रत्येक 2 फीट पर बाड़ के पास लगाए थे। और अब ये इतने बड़े हो गए हैं। मेरे जो पड़ोसी हैं उन्होंने यहाँ पर इसके पीछे पॉपुलर के पेड़ लगाए हुए थे, तो इनकी ग्रोथ कम हुई है। लेकिन मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि ये देखिए कि इन पर इस बार काफ़ी मात्रा में फूल आए हैं। ये देखिए, आइए मैं आपको इसको और दिखाता हूँ। इसमें मैंने अभी तक कोई एक्स्ट्रा खाद या गोबर की खाद कभी नहीं दी, केवल इसमें एक ड्रिप पड़ा हुआ है नीचे। आप ये देखिए, ये इनलाइन ड्रिप है, ये ड्रिप है, ये इनलाइन ड्रिप है, इससे पानी आता रहता है। और ये देखिए इसमें फूल आए हुए हैं इस बार। पिछली बार मुझे 8-10 नींबू मिले थे और इस बार ये भरपूर फूल हैं। जो ये आधा खेत है, ये देखिए आप इसकी अगर ऊंचाई देखेंगे तो मेरे से भी ये 2 फीट ऊपर चली गई है। इस हिस्से में थोड़े कमज़ोर हैं पौधे पॉपुलर की वजह से, वो अब उन्होंने कटवा दिए हैं, पता नहीं आगे रखेंगे या नहीं। ये देखिए, देखिए कितने फूल हैं। तो और इसकी सघनता इतनी है कि आप इसके कांटे भी देखेंगे तो बहुत भयंकर कांटे हैं इसमें, बड़े गहरे हैं, और कोई भी जानवर इसमें से निकलकर नहीं आ सकता। आइए मैं आपको इसका पूरा अवलोकन कराता हूँ। हाँ, इसमें जब भी मैं बोरोन या कॉपर ऑक्सीक्लोराइड का स्प्रे कराता हूँ या 1919 का स्प्रे कराता हूँ तो इन पर भी करा देता हूँ, और इस समय इनमें कोई भी रोग नहीं है, आप इसको ध्यान से देख सकते हैं। लेकिन कांटे बहुत बड़े हैं इसमें। ये देसी नींबू है बीज का, और ये मैंने कुल 6 रुपये का या 7 रुपये का एक पौधा मंगाया था, मुझे याद नहीं है, और हर 2 फीट पर लगाए थे, तो बहुत अच्छे हो गए हैं। कुछ पौधे, ये जैसा पौधा यहाँ का एक ख़त्म हो गया, यहाँ पर दूसरा लगाऊंगा। आइए और दिखाता हूँ। लगभग सभी पौधों पर फूल आए हुए हैं, किसी पर कम हैं, किसी पर ज़्यादा हैं। तो इससे मुझे अंबिया बहार के कुछ नींबू मिलेंगे, और ये मेरी बाड़ भी हो गई, इधर से जानवर नहीं आते हैं, जानवर आदमी कोई नहीं आएगा, एक दो जगह पर है। ये मैं इस बार दूसरे पौधे लगवा दूँगा, सभी को देखिए। ये आप देख रहे होंगे यहाँ पर, ये इन्होंने अभी पॉपुलर के पेड़ कटवाए हैं तो इनके गेहूँ भी ख़राब हो गए उनसे गिरकर। तो और ये देखिए, आप देखिए कितने फ्लावर हैं इस पर, ये देखिए। और ये कांटे देखिए, इसके कांटे, कोई भी जानवर अगर आने की कोशिश करेगा नहीं आ पाएगा। देखिए कितनी फ्लावर हैं, मधुमक्खी भी घूम रही है, आप देख सकते हैं इसको। और ये देखिए कितने फ्लावर हैं इस पर। तो साथियों, ये बात तो वही हुई कि आम के आम गुठलियों के दाम, कोई विशेष देखभाल नहीं हुई। और अब देखिए यहाँ से आगे पॉपुलर नहीं था, और कितने, देखिए आप पूरी इसकी बाड़ को देखिए, देखिए कितने फ्लावर आए हुए हैं इस पर। तो किसान साथियों, जो लोग जानवरों से रक्षा के लिए ये तारबाड़ी कराते हैं, तो मैं उन्हें ये सलाह दूंगा कि वो ये नींबू के पेड़ अवश्य लगाएं, जो कि 8 से 10 रुपये में, अधिक से अधिक 10 रुपये में आपको एक पौधा मिल जाएगा, और इसमें विशेष कुछ नहीं करना पड़ेगा, और आपकी बाड़ भी तैयार होगी, और आपको 2 साल बाद, ये अब 3रा साल है, जून में इन्हें 3 साल हो जाएंगे, आपको नींबू भी मिलेंगे। ये देखिए अब की बार तो करीब 30% तक फ्लावर है, ये देखिए सर, ये, और देखिए कितने अच्छे, कितनी अच्छी बाड़ लग रही है ये आसपास में।
ये पूरी बाड़ देखिए यहाँ तक। तो किसान साथियों, आपका जो फार्म प्रबंधन पर है, आप इस प्रकार से तार लगाएं, जाली लगाएं, कुछ भी लगाएं आप, लेकिन उसके पास में कोई ऐसी पेड़ अवश्य लगाएं कि जिनसे आपको जानवरों से सुरक्षा भी मिले। देखिए कितने फ्लावर हैं, देखिए कितने बड़े बड़े पेड़ हैं अगर आप दूर से देखेंगे इनको। मेरी लंबाई 5 फुट 9 इंच है और ये मुझसे करीब 2 फिट ऊंचे हैं, ये देखिए। और यहाँ पर मेरे ये कुछ पौधे हैं नींबू के जो चल रहे हैं, जिन पर मैं दिखाता रहता हूँ। देखिए ये शूट है और इस पर भी फ्लावर आए, ये शूट है, इस पर फ्लावर आए हुए हैं। अभी मैं पीछे राहौरी गया था तो वहाँ मेरी वैज्ञानिकों से बात हो रही थी, तो उनके ऑडियो सुन रहा था। अभी मैंने उन ऑडियो पर कोई भी एक वीडियो नहीं बनाई है, क्योंकि वहाँ पर मैं वीडियो नहीं ले सका। मैंने सब उनकी वार्तालाप जो है ऑडियो में रखी थी, तो उस पर नींबू के बारे में मैं कुछ बहुत महत्वपूर्ण बातें आप लोगों को बताऊँगा, जो आपने बहुत से लोगों ने शायद नहीं सुनी होंगी। ये मेरे जो सितंबर के पौधे हैं नींबू के, ये NRCC 8 है, ये देखिए मैंने सितंबर में लगाया था, ये लगभग 3 फीट का पौधा हो चुका है। और अब जो ये दूसरे पौधे हैं, इनसे नींबू लेकर मैं अगले साल इनको हटा दूँगा। ये सभी अच्छे चल रहे हैं, ये देखिए। तो किसान साथियों, अगर आप भी अपने फार्म की सुरक्षा करना चाहते हैं जानवरों से, तो मेरा सुझाव है कि आप नींबू की बाड़ अवश्य लगाएं। और अगर इसके लिए सस्ते पौधे चाहिए आपको, तो मुझसे भी संपर्क कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 9910336138। और जय हिंद नर्सरी में जो अनिल कुमार जी हैं, आप उनसे भी संपर्क कर सकते हैं। उनका नंबर है 9784300000। जो किसान उनके पास है वो वहाँ से ले सकते हैं, और जो मेरे आसपास हैं वो मेरे यहाँ से ले सकते हैं। एक ही पौधे आपको मिलेंगे। इसी के साथ विदा लेता हूँ। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।